रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सर्दियों के सीजन में वो दूसरे वाला जो डब्बे वाला है ना, जो इस वाला है, रायपुर वाला है, वो काफी मंदा है। अच्छा जी। हाँ, वो खाने में मीठा नहीं होता, बाकी उसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, तो ग्राहक उसी को ले जाता है। और शादी वाले उसने पसंद करा जी? नहीं, पसंद नहीं करते वो, शादी में पता लगता है वो मीठा है टिक्का है, वो एक एक पीस खाना होता है। ग्राहकी कम हो रही है जी, अब कई दिन से, दो तीन दिन से ग्राहकी कम है। दो तीन दिन से ग्राहकी कम है। देसी चल गया ना लोकल, इस करके लोकल में ध्यान ज्यादा है लोग। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को बेहतर समझने के लिए वीडियो की शुरुआत में सब टाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको रेट समझने में आसानी रहेगी। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है बुधवार और तारीख 27 नवंबर 2024। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें। शुरुआत करेंगे फलों के बाजार भाव से, लेकिन उससे पहले जानेंगे आरती भाई श्री जितेंद्र मलिक जी से अमरूद का बाजार भाव। सर जी नमस्कार। भाव जी, आज करनाल मंडी में अमरूद का कैसा माहौल है, कैसी आवक है, बाजार कैसा चल रहा है? नॉर्मली चल रहा है, कोई ज्यादा ना तेजी है ना मंदा है अभी। ना तेजी है जी ना मंदा है। राजस्थान अभी साफ नहीं हुआ है, लोकल खत्म होने पाएगा। लोकल अब खत्म होने पाए जी? हाँ खत्म होने पाए। तो अब राजस्थान वाले की आवक बढ़ेगी जी? अभी राजस्थान बढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा जी। हाँ अभी ठंड हुई है तो थोड़ा अभी ठीक बनेगा, अभी पक्के की शिकायत ज्यादा आ रही है। पक्के की शिकायत ज्यादा जी? हाँ हाँ। तो आज का क्या बाजार चला बाबू जी? बाजार यही रहा 200 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की है। 200 रुपए से 700 रुपए तक ग्रेट 20 किलो 20 केजी की। 20 केजी की। हाँ। बाबू जी, जैसे शादियों का सीजन चला रहा है जी, शादियों के सीजन में अमरूद की डिमांड कैसी रही है? शादियों के सीजन में वो दूसरे वाला जो डब्बे वाला है ना, जो इस वाला है रायपुर वाला है, वो काफी मंदा है। अच्छा जी। हाँ, वो खाने में मीठा नहीं होता, बाकी उसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, तो ग्राहक उसी को ले जाता है। देखने में सुथरा है जी, लेकिन मिठास नहीं होती? मिठास बिल्कुल जीरो है उसकी। हाँ जी। और शादी वाले उसने पसंद करा जी? नहीं पसंद नहीं करते वो, शादी में पता लगता है मीठा है टिक्का है, वो एक एक पीस खाना होता है। हाँ जी, वो कैटरिंग वाले उसी को ले जाते हैं। ये बात है। हाँ। तो इसी करके जो ये माल है जी, अपने लोकल चल रहे हैं, इनकी थोड़ी सी। हाँ, इनकी और राजस्थान की मिठास सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान वाले की मिठास सबसे ज्यादा है। शुरू हो गया, अब राजस्थान वाला बढ़ता रहेगा। राजस्थान वाला बढ़ता रहेगा जी। हाँ, अपने लोकल की अब कम होगी जी। हाँ, लोक ये अब ठंड पड़ेगी, ये लोकल कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, अमरूद के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम जी? फर्म का नाम मलिक फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 611, मोबाइल नंबर 9914162263। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। फलों का बाजार भाव आज इस प्रकार से रहा है। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 830 रुपए से 850 रुपए। किन्नू, इस क्वालिटी का माल 20 रुपए से 24 रुपए किलो। अनानास रानी 70 से 75 रुपए किलो। केला करेट 10 से 12 दर्जन 400 रुपए से लेकर बढ़िया माल 600 रुपए रहा है। सेब कश्मीरी 1000 से 1200 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 13-14 किलो सेब होते हैं। अंगूर काला 950 रुपए से 1100 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 500-500 ग्राम की 10 पैकिंग होती है। पपीते का बाजार 45 से 50 रुपए किलो रहा। अनार भाइयों 1050 से 1150 रुपए डब्बा। तरबूज 32 रुपए से 35 रुपए किलो। संतरा 40 रुपए से लेकर बढ़िया माल 55 रुपए किलो तक। सिंघाड़े का बाजार 12 रुपए से 16 रुपए किलो रहा है। सब्जियों से पहले जानेंगे टमाटर का बाजार भाव आरती भाई श्री दलबीर मान जी से। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी, आज करनाल मंडी में टमाटर का कैसा बाजार है, कैसा माहौल है, आवक कैसी बनी हुई है? टमाटर का माहौल बढ़िया है जी, ठीक है। थोड़ी बिक्री है 300 से 350 रुपए। थोड़ी 300 से 350 रुपए जी। हाँ जी। ये हाइब्रिड की गोली बाबू जी? हाँ जी हाँ जी, हाइब्रिड की गोली। चेरी टमाटर पर की आ रही है जी गोली तो? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, थोड़ी जबरदस्त है जी। और बढ़िया माल का क्या रेट रहा? बिक रहा है 450 से 500। 450 से 500 छोटा डब्बा? हाँ जी हाँ जी, छोटा डब्बा। बाबू जी, टमाटर की आवक भी मंडी में अच्छी देखी जा रही है, तो ग्राहकी कैसी है जी? ग्राहकी कम हो रही है जी, अब कई दिन से, दो तीन दिन से ग्राहकी कम है। दो तीन दिन से ग्राहकी कम है जी। देसी चल गया ना लोकल, इस करके लोकल में ध्यान ज्यादा है लोग।
देसी लोकल चल गया जी। हाँ जी हाँ, नासिक पे उठाव कम हो गया, नासिक का उठाव कम है जी। हाँ जी। और बाबू जी देसी का उठाव कैसा चल रहा है जी? देसी का उठाव अच्छा है, देसी का उठाव अच्छा। देसी भी मंगाया था जी अपने? देसी नहीं, अपने पास नहीं, देसी भी क्या 1200 रुपए। 1200 रुपए जी। हाँ जी, बड़ी क्रेट, बड़ी क्रेट 1200 रुपए। 1200 रुपए नहीं, अभी छत्तीसगढ़ चला हुआ, बाकी इतना मार्केट में आया नहीं है। आया नहीं अभी इतना। एक आधी गाड़ी आती है जी, दिल्ली तक आ रहा है बस, एक आधी गाड़ी आती है, बाकी ज्यादा तो हाइब्रिड नासिक का ही माल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, टमाटर के बारे में विस्तार से जानकारी साझा किया। नाम नंबर दलवीर मान, 165/10555, शॉप नंबर 572। धन्यवाद बाबू जी। अन्य सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से देखा गया, मटर 38 से 40 रुपए किलो, शिमला मिर्च 25 से 30 रुपए किलो, हरी मिर्च का बाजार 20 से 22 रुपए किलो रहा है, और अचारी मिर्च इस क्वालिटी का माल 30 से 32 रुपए किलो, फूल गोभी 30 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो तक का बाजार रहा है। सुबह के मुकाबले बाद में उठाव कम रहा। बंद गोभी 22 रुपए से 25 रुपए किलो, और धनिया भाइयों 5 रुपए से 8 रुपए किलो। पालक का बाजार 10 से 14 रुपए किलो चला। मेथी का भाव आज 10 से 15 रुपए किलो रहा। पुदीना 60 से 70 रुपए किलो। नींबू इस क्वालिटी का माल 20 रुपए से 25 रुपए किलो। खीरा हाईब्रिड 25 से 28 रुपए किलो, और खीरा पोली वाला 35 से 38 रुपए किलो। घिया का बाजार 25 से 30 रहा है। बैंगन 20 रुपए से 22 रुपए किलो। हरी बैंगनी 20 से 22 रुपए किलो। मूली भाइयों 5 रुपए से लेकर 8 रुपए किलो तक बिकी है। सलगम 10 रुपए से, बढ़िया माल 20 रुपए किलो तक बिका है। गाजर इस क्वालिटी का माल 18 से 20 रुपए किलो रहा है, और गाजर में कुछ इस क्वालिटी का माल 25 से 26 रुपए किलो। भीसे का बाजार 80 से 90 रुपए किलो चला। हरा प्याज 20 रुपए से 25 रुपए किलो। चप्पल कद्दू 25 रुपए से लेकर बढ़िया टॉप माल 30 रुपए किलो तक बिका है। भाइयों मंडी में माल की आवक और ग्राहक की आज कुछ कम रही है। फूल गोभी बाद में डाउन रही। धनिया का बाजार भाव अभी काफी नीचे चला हुआ है, आवक अच्छी बनी हुई है। तो भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग 2। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लहसुन के बाजार भाव के लिए आज देखे वीडियो भाग 1। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।